बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक। चलते हैं जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो टिप नंबर वन है मेरा जूसर जग के हवाले से, कि जूसर जग जो है अक्सर हम इनको जब इस्तेमाल करते हैं तो वाश करके रखते हैं, तो अक्सर क्या होता है कि हम ऐसे ही उसे उल्टा करके रख देते हैं, तो इसके अंदर क्या जो है वो पानी के कतरे जो है वो ठहर जाते हैं और वो जल्दी खुशक नहीं हो पाता। छोटी सी टिप है आपसे मैं शेयर कर रही हूँ, बहुत आसान तरीका है। आपने करना क्या, आपने ले लेना है क्लॉथ क्लिप, ले लेनी है तीन, ले लेनी है चार, ले लेनी है। मैं तीन क्लॉथ क्लिप ले रही हूँ। आपने ये तीनों साइडों पे जो है वो लगा देनी है एक एक, और जब भी आप इसको वॉश करें आप इस तरह क्लॉथ क्लिप लगा के उल्टा करके रख दें। एक तो इसके अंदर जो है वो हवा जाती रहेगी और ये जल्दी खुशक हो जाएगा। दूसरा ये कि अगर हम इसी तरह रख देंगे तो फिर जो है वो इसके अंदर पानी जो है वो रह जाता है और ये खुशक नहीं होता। इस तरह हवा भी लगती रहेगी और जल्दी ये खुशक भी हो जाएगा। छोटी सी टिप आदमी ट्राई कीजिएगा। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है जी मेरा कुंडी डंडे के हवाले से, किस तरह का जो कुंडी डंडा होता है, चट्ठू उठाया कहते हैं जो भी इसको कहते हैं, तो अक्सर जब हम इसको कूटते हैं तो ये बड़ा जो है सलफ के ऊपर शोर पैदा करता है। काउंटर टॉप के ऊपर रख के हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो बड़ा शोर पैदा करता है। सिंपल सा आप लोगों ने काम करना, आपने लेना है कोई सा भी कपड़ा, कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा जो है घर में मौजूद होता है, दुपट्टा हो गया, कपड़ा हो गया, आपने इसको तीन या चार इसकी तहें लगा के तो नीचे रख लेना, फिर आपने इस्तेमाल करना है। एक तो इसकी जो है नीचे से स्किन वो ख़राब नहीं होगी, तो दूसरा ये कि शोर जो है वो पैदा नहीं करेगा। छोटी सी टिप लाजमी ट्राई कीजिएगा। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरा जी कोलगेट के हवाले से, कि अक्सर जो है वो इस तरह की हमारी ट्यूब्स जो होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं तो हम इनको बेकार करके फेंक देते हैं। हालाँकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो मटेरियल जो इसके अंदर मौजूद होता है, तो आपने सिंपल सा काम करना है, हल्के हाथों से उसकी फोल्डिंग करनी है, तो एक क्लॉथ क्लिप जो आपने लगा देना है। जितना भी इसके अंदर पेस्ट होगा वो सारा इसके मुंह के आगे आ जाएगा और बहुत सारी पेस्ट जो ज़ाया होने से बच जाएगी। चुन्नी सी टिप है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। चलते हैं जी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है जी मेरा दरवाज़ों के हवाले से, कि दरवाजे जो हैं इस तरह के लोहे के दरवाजे हमारे घरों में अक्सर लगे होते हैं, तो इनको चंद अरसा बाद हम जो है इनको जो ये ख़राब हो जाते हैं, ये बड़ा शोर पैदा करते हैं। जब भी इनको खोलें या बंद करें तो इतना शोर पैदा करते हैं, इनके जो है वो कब्जे होते हैं वो खुशक हो जाते हैं, इनको जंग लग जाते हैं और इतनी बुरी सी इनकी आवाज़ आती है जब इनको हम खोलते हैं। सिंपल सा आप लोगों ने काम करना है, आपने लेना है कोई सा भी साबुन, कोई सा भी हो, और इसको आहिस्ता आहिस्ता से पकड़ के रब करना है। कोशिश कीजिएगा खुशक वाला जो है साबुन हो, हल्के हाथों से रब करना है। रब करेंगे तो आपका जो है वो दरवाजे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, शोर पैदा नहीं करेंगे। नेक्स्ट टिप है जी मेरा जो है वो दांतों के हवाले से, अक्सर क्या होता है हमारे दांत जो है वो उनमें बदबू पैदा हो जाती है या नागवार सी स्मेल आती है मुंह से, जो या पीप वगैरह बन जाती है या ठंडा गर्म हमें लगना शुरू हो जाता है। सिंपल सा आप लोगों ने काम करना है, आपने ले लेना है टूथपेस्ट, कोई सा भी ले लें जो भी आप घर में इस्तेमाल करते हैं, आपने हाफ चम्मच ले लेना या हाफ से भी हाफ जितने भी आप ब्रश के ऊपर लगा के इस्तेमाल करते हैं वो आपने ले लेनी है। और दूसरी चीज़ आपने इसके अंदर ऐड करनी है इनो, इनो हर आपको शॉप से मिल जाएगी, हर मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी इजीली। हाफ जो आपने चम्मच इसके अंदर इनो ऐड कर देनी है। इनो जो है वो बहुत सफाई में अच्छा किरदार अदा करती है, ये आपके दांतों की पिलाहट को जो है वो दूर करती है और जो भी पीप रेशा वगैरह जो दांतों से निकलता है या ठंडा गर्म लगता है उसको जो है दूर करती है। तो इसी दौरान अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अच्छे अच्छे कमेंट अच्छे तरीके से उसको मिक्स कर लेंगे। ये काफ़ी थिक सा मटेरियल जो है रेडी हुआ है, तो आपने सिर्फ इसके अंदर दो या तीन ड्रॉप आपने पानी ऐड कर लेना और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। मिक्स करके आपने इसको अपने दांतों पे तकरीबन लगा लेना है, 10 या 15 मिनट के लिए लगा रहने देना। ब्रश से लगा लें या फिंगर से लगा लें, फिर इसके बाद अपने दांत को आपने वॉश कर लेना। हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा ये छोटी सी रेमेडी इस्तेमाल करें, आपके दांत शीशे की तरह चमकना शुरू हो जाएंगे, मोतियों की तरह चमकेंगे, कोई भी इनके ऊपर गंदगी नहीं रहेगी, कोई बदबू नहीं आएगी, बिल्कुल जो है आपके नए जैसे दांत हो जाएंगे और कोई भी आपको ठंडा गर्म नहीं लगेगा, बिल्कुल आपका जो है दांत ऐसे लगेंगे जैसे अभी आपने नए लगवाए हैं। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ, मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कमेंट बाक्स में मुझे लाजमी बताएं कि आपको मेरी कौन सी टिप जो है पसंद आई है। आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हैं वीडियो में, आप लोगों के प्यार दिखाने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जो लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनकी मुश्किलात को आसान करे। एक दूसरे को सपोर्ट किया करें ताकि हर कोई कामयाब हो सके।